हेलो एवरीवन सभी को नमस्कार सभी को सभी को आदाब और सभी को जय हिंद कैसे हैं आप लोग तो यहाँ लोग प्रेजेंट है ना आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज होगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है नर्वस सिस्टम जहां से ढेर सारे क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और ऐसा नहीं सिर्फ ए वाला पार्ट ये आपके आर आरबी जी में सर एन टी पी सी वाले पार्ट में एस एस सी में तो यहाँ की बिल्ली सर बहुत इंपॉर्टेंट है अब किस टाइप के क्वेश्चन है सो लेट एस सी ओके तो सभी लोग फटाफट से यहां पे जुड़ जाओ और जितने लोगों ने अभी तक अपने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर लो और जल्दी से प्लीज सेशन को शेयर भी कर दो चलो शुरुआत करते हैं सेशन की तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को और होमवर्क क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपका एंडोक्राइन सिस्टम वाले पार्ट से सो सो टॉक अबाउट इट क्वेश्चन क्या था निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा श्रावित नहीं होता है यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड द पिट्यूटरी ग्लैंड अब ये जो प्रश्न था ना ये क्वेश्चन आपका कौन सा हुआ सर ये वाला प्रश्न आपका हुआ सर पेंक्रियाज वाले पार्ट से अब आप कहेंगे सर पेंक्रियाज से कैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि हमारे शरीर का एक भाग जिसका नाम है अग्नाश है इस पैंक्रियाज में से एक छोटा सा पार्ट और जिसका नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस हिंदी में कहते हैं बानू क्या लेंगर हेंस की दीपिका है जिसके अंदर आपका एल्फा बीटा और डेल्टा ये तीन प्रकार की सर सेल्स प्रेजेंट है जिसमें से आपका जो बीटा वाला पार्ट था यहां से निकलता था इंसुलिन जो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है और हमने सर ढेर सारे क्वेश्चन में करे भी थे लेकिन क्वेश्चन अभी यहां से नहीं था क्वेश्चन कौन सा था क्वेश्चन था ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड अब इसमें से कौन सा पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता ये क्वेश्चन पूछा था लेकिन सर मुझे यहाँ पर दो नॉलेज होनी चाहिए दो चीजों की पहला बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है एल्फा से निकलता है ग्लूकागोन और तीसरा जो डेल्टा सेल है सर यहां से निकलता है सोमैटो स्टेन अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन है पिट्यूटरी का आप पूरी पूरी बात जो यहां पर कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोमैटोटेन की ऐसा क्यों क्योंकि सर यहां पर हमसे यहां पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना जैसे कि टीएसएच हो गया था स्टिमिटिंग हार्मोन हो गया या फिर मैं प्रोलैक्टिन की बात करूँ या वैसोप्रेसिन की ऐसे पता है ईडीएच के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से सभी लोग ध्यान सुनना वैसोप्रेसिन को हम लोग सर डी एच हॉर्मोन के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं. हो क्या होती है? होती है? है हॉर्मोन तो ये जो एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन है ना गुरुदेव ये क्या करता है हमारे बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है कई बार क्या होता है ना कि सर अभी आपने पानी पिया एकदम से वॉशरूम जाना है या फिर

और आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो आंसर आया वो अविनाश का था सो थैंक यू अविनाश फॉर कमेंट उसके बाद हर्षुल डी के साथ थे शिवांशु बाबा डी के साथ जा रहे थे जहां पर बोला डी बिल्कुल डेल्टा सेल से निकलते हैं अभिनाश डी के साथ आदर्श डी के साथ यूपीएससी हमारे डी के साथ थे इसके बाद मिस वकील देन सुजाता किरण ने पूरा डिटेल में बताया कि डी तो आंसर होगा जय हमारे सी के साथ जा रहे थे बेटा बेटा आंसर होगा यहाँ पे डी और विश्वजीत हमारे डी के साथ है सो so, पूरी की पूरी गैंग यहां तक हो चुका है सवाल अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला सवाल क्या है सी सो so, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये अच्छा क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सर आप लोगों के लिए आर आर बी एल पी का बैच स्टार्ट हो चुका है जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया वो सर एनरोल कर सकते हैं और आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको बैच की पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी तो ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है उनतीस फरवरी को और इसमें अपनी बायो की क्लास परसों से जाने वाली है सो यू कैन हैव अ लुक एट डेड और दूसरा आर आर बी आपको टेस्टवीज अगर लेनी है तो आप कोड यूज कर सकते हैं प्रेफ फिफ्टीन इंजीनियर अड्डा वाली वेबसाइट पर जाकर और उसके बारे में डिटेल में अभी मैं फिर से बताऊंगा लेकिन इसमें आपको मिल रहे हैं ढाई से ज्यादा का टेस्ट प्रैक्टिस सेट साथ में आपका सर जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम आपको टेस्ट मिलेंगे राइट चलिए सर तो आज के लिए जो पहला प्रश्न है वो है ये मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है यानी विच पार्ट ऑफ दी ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीदिंग तो यू थिंक क्या होना चाहिए आंसर बानो और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं फटाफट से आंसर देंगे सर इसका आंसर क्या होना चाहिए कौन सा हमारा वो पार्ट है सर ब्रेन का जिसकी वजह से सर हम लोग सांस ले पा रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा गहन चिंतन करना जरूरी है लेट एस सी वुड बी वर्ट आंसर सर हमारा जो ब्रेन है इसमें जरा समझने की कोशिश करते हैं पे है क्या क्या देखिए हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट है ना इसके तीन मेन पार्ट्स हैं कौन कौन से एक होता है बेटा फोर ब्रेन दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है बेटू हिंड ब्रेन अब आप कहेंगे सर ये बोले तो इसका मतलब क्या तो बालो यहां पर ना जो फोर ब्रेन है इसका मतलब है अग्र मस्तिष्क की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं मध्य मस्तिष्क और जो फोर ब्रेन है इसमें आ जाता है आपका जैसे सेरिब्रम हो गया राइट थैलेमस मिड ब्रेन में कॉरपोरा क्वाड्रिजेमिना राइट और हिंड ब्रेन में आता है आपका सेरिबेलम और साथ में आपका आ जाएगा यहां पे मेडुला ऑबलांगाटा तो इसमें से अगर मैं हिंड ब्रेन पे जाऊं यहां पे जो लिखा है मेडुला पूरा नाम है मेडुला ये क्या करता है जितने भी आपके इनवॉल्ट्री एक्शन है अब यहां पर हो सकता है सर मेरे ना बहुत देर हो गई मैंने सर सांस नहीं ली है मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया रे, मैंने सांस तो ली नहीं बहुत देर से ला सा लेता हूं हाँ बच गया सर मैंने सांस ले ली तो तुम मर जाता क्या आप ऐसा कभी सोचते हो नहीं ये सब प्रोसेस बैक एंड पे चलती रहती है तो सर ये जो इन्वॉलेंट्री एक्शन है यानी सर वो चीज़ें जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करें जैसे ब्रीदिंग हो गई रेस्प्रेशन हो गया रेस्प्रेशन हो गया ये सारी चीज़ें कौन देखता है ये सारी चीज़ें देखता है मेडुला राइट सो अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन का मैंने पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है देख रहे सर है, हो सर ये आपका फ्रंटल लोब है ये आपका पेरेटल लोब हो गया ये ऑक्यविटल लोब हो गया ये आपका सहरी बैलम वाला पार्ट देख रहे हो ये बॉडी की बैलेंसिंग ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है जिसे बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क इधर आपका ये ब्रेन स्ट्रेम वाला पार्ट होगा ये टेम्पोरल लोब है तो सबके अलग अलग काम है अब काम क्या क्या है तो एक करके कार्य देख लेते हैं सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन जो हरा वाला पोर्शन है सर ये आपका फ्रंटल लोब है अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं तो इसका कार्य होगा सर चलने फिरने में मदद करता है यानी कि मूवमेंट में देन सर थिंकिंग एरिया यही है रीजनिंग जजमेंट इमोशंस मेमोरी स्पीकिंग वो सब फ्रंटल पार्ट में आता है अब इसके अंदर क्या क्या होगा देखिए सर जो फ्रंटल वाला पोर्शन है ना इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को पता रहना चाहिए एक आता है सेरिब्रम सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है हमारे मस्तिष्क का एग्जाम में पूछा जाता है हेलो शिवानी सो so, क्या बोला सबसे बड़ा जो पार्ट है ब्रेन का वो है सेरिब्रम जो हमारे शरीर में मैक्सिमम जो चीजें आपने सोची हैं सर मैंने सोचा अरे बचपन में पता क्या था पांचवीं क्लास में तो ऐसा ऐसा हो गया था वो डेटा कहाँ स्टोर होगा वो डेटा आपका सेरिब्रम वाले पार्ट में ही होगा राइट सो बेसिकली इसके अलावा कुछ भी सोच रहे हो या कोई मेमोरी डेटा की मैं बात कर रहा था सेरिब्रम हो गया अब साथ में सब भूख नींद प्यास ये सारी चीज़ें जो चीज़ें कंट्रोलिंग है सर वो यहीं पर होती है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट तो टेम्पोरल लोब पर आ जाओ तो सर भाषा को समझने में अंडरस्टैंडिंग दी लैंग्वेज बिहेवियर मेमोरी हियरिंग ये आपका टेम्पोरल लोब का पार्ट हो गया ब्रेन स्टेम पे आ जाओ तो कॉन्शियसनेस ब्रीदिंग ब्लड प्रेशर हार्ट ब्रीट वो इस वाले पार्ट में तो बेसिकली आप समझिएगा जो हमारा सर मेडुल ऑब्लंगाटा है वहां पे ब्रीदिंग रेस्पिरेशन ये सब चीजें डील होती है खैर तो यहाँ पे जो आंसर था वो था हमारा मेडुला मेडुलाटा बढ़िया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आंख की उस संरचना का नाम बताना है जो प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करके रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चर ऑफ द आई दैट एक्ट टू रिफ्लेक्ट लाइट रेज एंड फोकस ऑन द रेटिना तो इसका आंसर क्या होगा सर शिवानशी बानो और जितने भी लोग जुड़े हैं फटाफट से इसका आंसर दीजिए व्हाट शुड बी द आंसर और ना आज हम कोशिश करेंगे नर्वस सिस्टम के सारे सारे पार्ट यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ठीक है सो फटाफट से आंसर दीजिए नेम स्ट्रक्चर ऑफ द आई डेट एक्स दी तो फटाफट से लाइट रेस का शिवानी का आंसर आया सर कॉर्निया होगा ठीक है बानो भी ए के साथ जा रही है सो so, सर जितने भी लोग यहाँ पे ए वाले हैं अब देखिए अच्छा दीपेंद्र भी हमारे ए के साथ जा रहे हैं सो so, यहाँ पे सर कॉर्निया वाले पार्ट में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया था ये जो आप लोग आंसर दिए कॉर्निया अब देखिए यहां पर क्या होगा कि अगर मैं इस वाले पार्ट पर जाऊं तो ये ना जो आपका आई का पार्ट है जिसमें से मैं लेंस वाले पार्ट की बात करता हूं तो एक होता है सर कि ना लाइट को कौन वहां पे कंट्रोल कर रहा है राइट right? और दूसरा ये शिवांशु शायद आप ही का डाउट था तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो कॉर्निया के साथ जा रहे हैं इस वाले पार्ट भी में डिस्कस कर लेते हैं ये जो रे पार्ट होगा दैट इज एक्चुअली फोकस ऑन द रेटिना सो दैट इज एक्चुअली एक्टिंग टू द लाइट अब जैसे ही यहाँ पे सर रिफ्लेक्ट कम आया तो लाइट इसको जो रिफ्लेक्ट करेगा So, इस वाले पार्ट में हम लोग सर लेंस पे जाएंगे इंजीनियर्स में क्लास शो नहीं कर रहा है ऐसा है क्या ऐसा कैसे हो सकता है अच्छा ओके गॉटेड गोटेड गोटेड मुझे आप लोग मुझे आ, एक वही मैं कहूंगी क्राउड यहाँ पर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा था ओके गॉटेड ठीक तो मैं एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ तो सभी लोग यहां पर दे रहे हैं सब लोग यहाँ पर लेंस के साथ ही जाएंगे तो आप इसका आंसर दीजिए तब तक ना एक बार मैं टीम से बात कर लू सही कह रहे हो क्योंकि ना इंजीनियर्स पे मैं वेट ही कर रहा था कि आज बच्चे कहाँ गए हमारे इंजीनियर्स वाले ठीक तो जरा आप लोग इसका आंसर दो मैं एक बार ना तब तक ये इंजीनियर्स वाली टीम को जरा फॉरवर्ड कर दू चलो तो एक बार मैंने ना बेल रिंग कर दी एक बार टीम आ जाएगी तब तक उसके बाद देखते हैं तो एक्चुअली वो क्लास जा क्यों नहीं रही है इंजीनियर्स पे लेटर सी

और तीसरा लार्जेस्ट सेल कौन सी है तो एक बार सर इसका जरा डिस्कशन कर लेते तो फटाफट फड़ से आंसर दो इसके आंसर्स क्या होंगे जल्दी प्लीज वेटिंग द आंसर प्लीज तो सभी लोग यहां पर जरा आ, मुझे दो मिनट का टाइम देना आप लोग इसका आंसर दो फिर मैं आपको बताता हूं

अच्छा ऐसा है क्या? मैं आप उसमें स्टार्टिंग लाएंगे रिकॉर्डिंग देख लेंगे कोई इशू नहीं आप प्लीज़ करवा दो कर दिया आप ये कमज़ोर के और ये इसकी ले लो एक क्लास दिखा इंजीनियर्स के लिए अलग ही बंदा करे इसके लिए इसकी छोट ले बोला ये मैंने लगाया था इंजीनियर्स क ओके okay तो आप एक बार मुझे बताना कि आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है क्या सभी लोग ओके okay. तो अपने पॉइंट में वापस आता हूं तो यहां पर मैं जो डिस्कस कर रहा था वो ये था कि सर अगर मैं सबसे छोटी सेल की बात करता था तो विच वॉज द स्मॉलेस्ट सेल द स्मॉलेस्ट सेल विच इज अवेलेबल इज सर आपका यहां पर हम लोग लिख देंगे माइको और जो माइको होता है सर ये क्या होता है सर इसमें याद रखिएगा ये बैक्टीरिया का नाम है ये क्या है छोटा सा बैक्टीरिया में होता है तो इसी वजह से अगर ये हमारी बॉडी की पूछ ले ह्यूमन बॉडी का तो हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी सेल होती है बेटा वो क्या होती है वो होती है स्पर्म सेल यानी जिसको हम लोग हिंदी में शुक्राणु के नाम से जानते हैं नाउ इसके बाद अगर मैं से लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो जो सबसे माइक Thank you. सॉरी एक्चुअली दे रहा सम इशू तो यहाँ पर हाँ से मुझे लग रहा है ना यहाँ पर बी टाइप वालों को आना पड़ेगा चलो ठीक है so सो यहाँ पे देर वो सम इशू अब सब कुछ रेक्टिफाइड है तो भी ना इंजीनियर्स पे आपकी क्लास वापस से शो हो जाएगी एक्चुअली आई वॉज डिस्कसिंग दी सेम विद दी टीम तो अब सारी चीजों को मैं वापस से डिस्कस कर लेता हूं आज का जो टॉपिक है आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आर आरबी जे में आर आ बी एल पी में ई एल पी के अलावा सर आपका वो फिर ग्रुप डी वाला पार्ट हो गया जेई भी मैंने बोली दिया एस एस सी हो गया और एन टी सी इतने वाले पार्ट में आपके क्वेश्चन हैं ठीक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से अभी मैंने बस स्टार्टिंग ही करी है अभी हमने दो ही क्वेश्चन डिस्कस करें दिस वॉज ए थर्ड क्वेश्चन तो जहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ठीक तो है तो मुझे यहाँ पे बच्चे अब देखने भी लगे हैं तो इट्स ओके आई 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 वॉज एचुअली सर्चेंगे कि हमारे इंजीनियर्स गए कहाँ पर तो इतना तो सॉर्टेड है तो अब अब इंजीनियर्स वाले पार्ट में भी क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी

हो सकता है मैंने सर किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो सर सेंसेशन गया कि भाई साहब ये चीज़ क्या है तो सर सेंसेशन वाले पार्ट की जब मैं बात कर रहा करूँ तो सिग्नल्स को ले जाना और सिग्नल को लाना ये काम होता है मोटर न्यूरॉन का और सेंसरी न्यूरॉन का तो सर मोटर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं तो सिग्नल्स को लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक सर जिस पार्ट से आपने उसे टच किया है यानी यहाँ पे सेंस किया उस पार्ट से लेकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है तो सिग्नल लाने ले जाने का काम इनका हुआ अब इसी के अंदर आप देख रहे हैं सर यहाँ पर प्रेजेंट है ये

निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोच वाला भाग है तो so तो ये RRB, और का प्रश्न है। है तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? So यही है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का मुख्य सोच वाला भाग है तो यहां पे आप लोगों से ये कह रहा है मतलब क्या सर अभी मैंने डिस्कस किया था रीजनिंग हो गया इंटेलिजेंस हो गया या फिर मेमोरी हो गई ये सब चीजें कहां प्रेजेंट है ये सर हमारे ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट है राइट सो so, अब मुझे फटाफट फ़ड़ से इसका आंसर दीजिएगा कि मेन थिंकिंग पार्ट आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए हिंड ब्रेन सेरिबेलम मिड ब्रेन या फोर ब्रेन और ये सवाल मैं जानबूझ के आप लोगों से इसलिए इन्फोसिस दे रहा हूँ कि आप इसका आंसर दो क्योंकि अभी ना मैक्सिम बच्चा गलती करके आता है और ट्रस्ट मी गाइस यहाँ पर सर जितने भी बच्चों ने पेपर दिया उसमें से 80 परसेंट के आसपास ने ये मैं बिना डेटा कलेक्ट करे ही बता सकता हूँ गलत किया होगा क्योंकि जल्दी जल्दी में मैक्सिम लोगों ने आपकी तरह ही क्या किया सीधे सैरी बलम आंसर लगा दिया होगा और आंसर हो गया होगा गलत आई टेल यू वाई क्योंकि सर मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज वॉट सैरी ब्रम और एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एग्जामिनेशन जैसे हम बैठते हैं ना इस क्वेश्चन को देखते ही हमको सैरी ब्रम भी सैरी बैलम जैसा देखने लगता है सर यहाँ पे सैरी बैलम लिखा है ये सैरी ब्रम नहीं है और होता क्या है ये जो आपका फोर ब्रेन वाला पार्ट है ना सर इसी में आपका सैरी ब्रम है यहीं पे आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है तो सभी लोग प्लीज याद रखना कृष्णा दीपी जितने भी पार्ट है मेरे ख्याल से अब आप कोई गलती नहीं करेंगे राइट शिवानशु बाबा तो जितने लोग यहाँ पे डी के साथ जा रहे थे यू ऑलो करेक्ट चलिए सर अगले पॉइंट पर चलते हैं अगला प्रश्न है आपका अच्छा यहाँ पे सर मैंने आप लोगों ने कुछ बना रखा था एक बार ध्यान से देखना आप लोग सर जा रहे थे राइट सो सेरिबेलम के अंदर क्या क्या काम हुए सर ये देखो बॉडी की बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन अब सर बॉडी की प्रॉपर वे में जो बैलेंसिंग है गजेंद्र बाबा हम लोग ना जब चलते फिरते हैं तो चलते फिरते में कुछ लोग ऐसे लड़खड़ा के चल रहे हैं सो लड़खड़ा के जब चल रहे तो ऐसे ऐसे चलना इज डिफरेंट लेकिन सर एल्कोहलिक पर्सन की अगर बात करें तो अरे सर तो एक वो वाला तरीका हुआ तो जो अरे सर वाला मैंने बोला दूसरा तरीका एल्कोहलिक पर्सन प्रॉपर वे में क्यों नहीं मूव कर पाता द थिंग इज दैट जब वो कोई शराब पी लेता है या फिर एल्कोलिक कंटेंट बॉडी में जाती है तो सर इसका सैरी बैलम वाला पार्ट आराम की मुद्रा में चला जाता है और आराम की मुद्रा में जाएगा तो क्या होगा सर आदमी लड़खड़ाने लगेगा तो बॉडी का जो पूजर होता है वो मेंटेन करने वाला सैरी बैलम होता है इसका याद करने का तरीका यह था सैरी बैलम में बैल से याद कर लो बैल तो बॉडी की बैलेंसिंग कौन करता है सैरी बैलम लेकिन जो सैरी ब्रम है ये देखो फ्रंटल लोब की अगर मैं बात करूं सर फ्रंटल लोब वाले पार्ट में आपका सैरी ब्रम प्रजेंट है राइट सो अगर हम लोग यस तो अगर मैं यहां पर डिस्कस करता हूं इस में तो वाला पार्ट था तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग आपका बिहेवियर सब मेमोरी याददाश्त के सरकार पढ़ा था अरे ये तो सर आपने पढ़ाया था एग्जाम में आ गया तो सर मेमोरी तो ये सारी इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी ये सारी की सारी चीजें कहां पे डेवलप हो रही है सर ये आपका फ्रंटल लोब जिसमें सैरीभ्रम की बात हो रही है तो सैरीब्रम इज थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन तो आपका सही आंसर हुआ सैरी भ्रम यानी कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन प्रश्न मानव शरीर का थर्मोस्टेट इनमें से कौन से अंग में निहित है थर्मोसेट ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूम बॉडी कंटेंट आर आरबी दो हजार चौदह का प्रश्न क्या होगा आंसर अच्छा सुजाता जुड़ चुके हैं दीपी जुड़ चुकी है ओके सो so, वेटिंग फॉर दंसर प्लीज सो so, एल गजेंद्र बाबा नमस्कार इसका आंसर क्या होगा थर्मोस्टेट क्या है सर इसमें से अब आप लोगों ने कई बार ना सुबह सुबह के उठे और आपने बोला अरे यार आज ना मूड ठीक नहीं है यार तू तो सुबह सुबह मत दिखा कर और यहीं पर सर कोई और मिल जाए है ना साउंड कम आ रही है ठीक है वो टीम से मैं कह देता हूं तो यहां पे गुरुदेव हम लोगों के ना इमोशंस सखी से प्यार की बात कर रहे हैं किसी गुस्सा कर रहे हैं तो यहां पे जो ये बैलेंसिंग की हम बात करते हैं सर हर एक चीज की इमोशंस वाले पार्ट पर तो इमोशंस का याद रखिएगा सर इमोशंस से जो डील करता है सर वो है हमारा हाइपोथैलेमस और ये वही हाइपोथैलेमस है जिसको हम बोलते थे आपका मास्टर ऑफ मास्टर सेल क्या था मास्टर की भी मास्टर याद है तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जिसको हम लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये सभी के सभी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उनकी कंट्रोलिंग कर रहा था राइट So, गुरुदेव हाइपोथैलेमस ही है आपका जो यहां पर थर्मोस्टेट की तरह काम करा। थर्मोस्टेट का का क्या? सर, की की बात कर रहे हैं कभी ऐसा नहीं होता कि सर श्रीनगर घूमने गए तो हमारी बॉडी के सर अंदर बर्फ जम गई हो या फिर हम लोग सर कभी कश्मीर सॉरी तो अफ्रीका की तरफ चले गए तो सर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया नहीं बॉडी का टेम्परेचर जो मेटेनिंग करके रखता है वो कौन है वो है हमारा हाइपोथैलेमस सो दिस इज हाइपोथेलेमस नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब सर यहां पर देखिए ये मैंने ब्रेन वाला पार्ट जरा इसमें बना रखा है तो इसमें सर आप अगर हम लोग ने मेमोरी की बात करें देख रहे हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी आपका सेरेब्रम वाला पार्ट लॉजिकल रीजनिंग आपका सेरेब्रम वाला पार्ट देन सर यहाँ पर अब डिसीजन मेकिंग तो ये आप देख रहे हैं ये फ्रंटल लोब में ये सारी चीज इश्यूज डील होते हैं तो एग्जाम्पल पूछ रहे कौन सा लोब तो फ्रंटल लोब में क्या हो गया सर नेम एंड फेशियल रिकॉल या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स कार्ड गेम्स वर्ड मैथ प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजिंग का शेड्यूल डिसीजन मेकिंग ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं प्लानिंग अटेंशन लॉजिकल रीजनिंग सारा का सारा काम आपका कहाँ होता है फ्रंटल लोब में पेरेटल लोब की बात करें सर यहाँ पर क्या ऑडिटरी प्रोसेसिंग की किसी से आवाज़ आई है दीपी हई यू मैं समझ अरे ये 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 तो अपने रवि सर है सो so, गुरुदेव ये जो पीछे से बैकहण्ड में सुनते ही आपको बताया तो यहाँ पे सर ऑडिटरी अगर मैं यहाँ बोलूँ सो so, ऑडिटरी प्रोसेसिंग ये आपकी कहाँ हो रही है ये सर हो रही है आपकी पेरेटल लोब में राइट सो so, आपकी सर अब आप प्रोसेसिंग की स्पीड भी होती है जैसे मान लो मैंने किसी को कुछ एक पॉइंट रखा कि गजेंद्र आपको पता है कि ऐसे ऐसे ऐसा हुआ तो गजेंद्र गजेंद ने क्या किया उसी टाइम पे हंस दिया अरे सर हाँ 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 लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पहले सोचा सोचा अच्छा सर ने अच्छा ये कहना चाह रहे थे क्या फिर उनको समझ में आया तो यहाँ पर क्या प्रोसेसिंग की स्पीड भी सबकी अलग अलग होती है आप लोगों ने कई बार देखा होगा ये सर बेस्ट एग्जाम्पल है कंप्यूटर से ले लो सर कुछ कंप्यूटर्स में हम लोग जानते हैं अच्छे वाले प्रोसेसर से सर महंगे वे प्रोसेसर हैं सुपर फास्ट फूड में आउटपुट आ रहा है कुछ कंप्यूटर्स में तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो बेसिकली हमारा दिमाग भी सर एक तरह से वही है ना कंप्यूटर में कहां से आया हम लोग कहते ना सर वहां पे कंप्यूटर जो आपका मदरबोर्ड वाला पार्ट हो गया या सीपीयू की बात कर लो स्पेशली तो सीपीयू में क्या कहते थे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों क्योंकि सर वही पूरे में पूरे उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा था ऐसे हमारी बॉडी में ब्रेन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है चाहे वो मूवमेंट हो चाहे वो इमोशन हो एंड ऑल तो बेसिकली सर इसकी अगर प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो चल रही है समझ जाओ तो इश्यू कहाँ पर आ रहा है आपके टेम्पोरल लो वाले पार्ट में इशू है खैर तो इतना सफिशियंट हुआ आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन ये वॉट इज साइट कॉल्ड ये साइटन क्या होता है सर आरआरबी ग्रुप डी का दो का प्रश्न है साइटन क्या है सो बानो और जितने भी लोग यहां पे मौजूद है आई गेस सो यहां पे सॉर्टेड सभी लोग मुझे कन्फर्म करो सो so जल्दी वेटिंग 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 आंसर क्या होगा साइटन क्या होता है िन सेल न्यूरोफाइब्रिल स्टिमुलेशन या फिर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स साइटन अब देखो यहां पे ऑल फैक्ट्री ये मुझे सर कुछ तो दिखे दिखाई से लग रहे हैं इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था केमिस्ट्री में राइट सो दीपी बानो व्हाट यू थिंक क्या होना चाहिए आंसर साइटन क्या है एग्जैक्टली exactly? सो so, यहां पर सर देखो ऐसा है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले

तो निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक दो हजार इक्कीस का सवाल आंसर प्लीज। सो दीपी, बानो गजेंद्र और जितने भी लोग मौजूद हैं, फटाफट दो निम्नलिखित में कौन सा तंत्र का तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है आ, या फिर नेफ्रिक तो सुपेंद्र के साथ जा रहे हैं इज़ गोइंग विद आई आप थोड़ा सा लेट रिप्लाई दे रहे हैं क्योंकि आप देखो मुझे यहाँ पे अच्छे से पता है अभी मैं जो अपना नर्वस सिस्टम की बात कर रहा था नर्वस सिस्टम में हमने डिस्कस किया जो सिग्नल्स लाने ले जाने का काम करती हैं वो कौन होती है हमारी नर्वस राइट right? अब इसमें भी सर अगर मैं इसके सिंगल यूनिट पे जाऊँ यानी कि सर अगर मैं इसका सिंगल यूनिट की बात करूँ क्या होगा आपका तंत्र का यानी न्यूरॉन तो जितने भी लोग सर यहाँ पे न्यूरॉन के साथ जा रहे हैं तो न्यूरॉन क्या है न्यूरॉन एक्चुअली आपकी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की जो आपके सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है यानी सर इन्फॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाती है राइट सो द करेक्ट आंसर इज न्यूरॉन नेक्स्ट अगला प्रश्न सर डेंट्राइट और सिनेप्स किससे संबंधित है डेंट्राइट अभी तो हमने देखा था कि सर जब हम लोग नर्व सेल अभी, अभी बनाए थे तो नर्व सेल वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहां पे सर आपके डेंट्राइड्स वाला पार्ट था एक्शन वाला पार्ट था तो ये बेसिकली हुआ क्या सर ये किससे संबंधित है बार्क से एपीथीलियम से रेटिना से या नर्व सेल से सो आई डोंट थिंक तो उसमें कोई टाइम लगने वाला है सो so ये आर आर जेई का दो का प्रश्न था और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं डेंट्राइड्स की बात करूँ डेंट्राइट्स या स्नेप्सिया किससे संबंधित हैं सर ये आपके संबंधित हैं मानो बी के साथ ना एपीथीलियम कैसे होगा बेटा एपीथिलम से ना सो so, यहाँ पे सर हम लोग टिश्यूज का डिस्कशन जो कर रहे हैं ना बानो अभ्यार ने रेटिना ना आंखों से संबंधित भी नहीं है तो यहाँ पे सर ना तो ये आपका उपकला वाला पार्ट है ना ही आपका रेटिना है सही आंसर होगा नर्व सेल अभी डिस्कस किया कि आपका जो नर्व सेल का पार्ट है उसी के अंदर आपके डेंट्राइट्स आते हैं सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तंत्र का क्वेश्चन नेक्स्ट अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ दॉटेंट्री एक्शन इनमें से कौन सा आपका वॉलेंट्री एक्शन नहीं है अब आप इनसे वॉलेंट्री एक्शन बोले तो ये क्या होता है सो so, अब सर पहले आप इसका क्वेश्चन देखो ये आर आर वी एल पी दो हज़ार अठारह का प्रश्न था अब वॉल्ट्री एक्शन का मतलब ये है सर जो स्वेच्छा से हो अब हमसे क्या पूछा है इसमें से कौन सा वॉल्ट एक्शन नहीं है यानी कौन सा आपका स्वैच्छिक कार्य नहीं है तो स्वैच्छिक कार्य क्या जो मेरी इच्छा के अनुसार ना चल रहा हो मूविंग अ चेयर अरे मेरा मन कर रहा है तो मैं चेयर को खींचूंगा या धकेल दूंगा मूविंग अ चेयर नहीं होगा सर क्लोजिंग ऑफ फिस्ट लो सही तो मेरे हिसाब से चल रहा है सर ये भी आपका वॉल्ट्री हो गया टेकिंग एन ऑब्जेक्ट मन के अलावा ढक्कन उठा लू तो सर बॉटल उठा लिया मैंने मन का अला ढक्कन उठा लूँ ढक्कन उठा लिया सो so, कुल मिला के ये तो बच्चों वाले सवाल हो गए सर ए आल भी मैं पूछ रहा है सोचो तो गुरुदेव ये सर वॉल्ट्री है ये भी वॉलंटरी ये भी वॉलंटरी कौन सा पूछा कौन सा वॉल्टी नहीं है अब सर दिल का ऐसा तो है नहीं <coughs> कि, कि किसी से मिलने गए और मिलने गए तो वहाँ पे दिल धक जोड़ जोड़ धक 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 कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा भाई सब बेजती करवाएगा पाएगा कि यार पहली बार मिल रहा हूँ ठीक है लेकिन ये थोड़ी जितने झड़को रुक जाए थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़ कंट्रोल कर ले क्या दिल सुनेगा नहीं दिल है भाई कैसे सुन लेगा किसी की सो इफ आई टॉक अबाउट द बीटिंग ऑफ अ हार्ट बीट इट्स नॉट वॉलंट्री ये हमारे हिसाब से काम नहीं करता दैट इज़ इनवॉलेंट्री तो दिल का धड़कना धड़कना या फिर दिल की धड़कन जो है सर इट्स नॉट वॉलेंट्री ये नॉन वॉलेंट्री है यानी सर ये आपका सॉरी ये आपका इन है यानी कि ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं काम करता अब ये सर डील कौन करता है ये पार्ट डील करता है मेडल ऑबलांगाटा राइट चलिए सर ये भी सॉर्टेड हुआ सो so, बिल्कुल गर्जेंद तो मैं धीरे धीरे करके सारे टॉपिक वाइज ही वो उठा रहा हूँ अभी टॉपिक तो हम लोग लास्ट में देख लेंगे ठीक है सो यस yes, ये भी क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं अब आ जाओ इस पे तो ये प्रश्न है आपका आर आर बी जे दो हजार उन्नीस का प्रश्न क्या है सर ईसीजी सी जी सेंसिस दी इलेक्ट्रिक फोर्सेस जनरेटेड बाय डैश तो ईसीजी द्वारा उत्पन्न विद्युत बलों को ई सी किसके द्वारा उत्पन्न विद्युत बलों को महसूस करता है तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस कहां से जनरेट होते हैं ठीक है अगर ठीक है वो हम लोग इकट्ठे कर लेंगे फिर उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे तो इस पे आओ फटाफट फड़ से जो है, यानी सर यहाँ पर ECG क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ so, कह रहे हैं? अच्छा कोई नहीं बस आपका आंसर आ रहा नींद ना आने वाला पार्ट पे आ जाओ, अच्छा ठीक है so, गुरुदेव देव देव को जहां पर भी हम लोग ना गजेंद्र तो सीधे ये कहूंगा कि ये वाला जो पार्ट है डील करेगा मेडल ऑफ लंगाटा चलिए ईसीजी क्या सर अब ईसीजी बोले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अब यहाँ पे देखो तो ये टर्म आता है सी ये आपका कार्डियो से रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अब यहाँ पे जो कार्डियो शब्द है मैं क्या इसको कार्डियो कार्डियक मसल से लिंक कर पा रहा हूँ और कार्डियक मसल कहाँ होती थी हमारे हार्ट में तो सर इफ आई टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रो दैट देट मीन्स कि ये सर आपका हार्ट से संबंधित है अच्छा जो हमारा ब्रेन होता है उससे संबंधित एक और होता है वो दैट इज वॉट दैट इज ईजी इलेक्ट्रो रखिएगा जी आपका सर ये ब्रेन से संबंधित हो गया और जो ई होता है ये आपका हार्ट से संबंधित है दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में फिर पूछे गए हैं तो ये सर आपका जे का मैंने आपको बता ही दिया ईसीजी uh, सी वाला प्लीज ईजी का जरूर याद रखिएगा ठीक है बाकी वो ए में पूछा गया अभी आगे क्वेश्चन आएगा कार्डियोलॉजिस्ट बिल्कुल दीपी चलो ये भी डन है टू तो अब सर जरा मैं आपको बता दूं कि आरआरबी बी का बैच स्टार्ट हो चुका है उनतीस तारीख से राइट सो आप लोग इस बैच को ले सकते हैं इसमें दो से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस है सौ से ज्यादा पीडीएफ डी है कंप्लीट सिलेबस आपका सी बी टी वन और सी बी टू का इसमें कराया जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आपके अवेलेबल रहेंगे तो आपको अगर बात करनी है तो आप इस कॉन्टेक्ट पर बात कर सकते हैं दूसरा अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो इवन आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं जहाँ पर आप कोड यूज़ करेंगे प्रे फिफ्टीन कैसे ले सकते हैं जरा ये भी डिस्कस कर लेते हैं तो आप जाएंगे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट पर अब जैसे आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट पर जाते हैं सो so, इसमें आप जाएंगे ऑल कोर्सेज वाले पार्ट में ऑल कोर्सेज में जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं जाऊंगा ए जे एग्जाम इसमें मेरी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच को सेलेक्ट करूंगा जैसे मैकेल इलेक्ट्रिकल मान लो कि सर मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ इलेक्ट्रिकल में जाऊँगा आर आर बी अब आर आई में ना ये नीचे मैंशन है यहाँ पे आपके टेस्ट तो यहाँ से आप टेस्ट ले सकते हैं जेई का ये टेस्ट है ई एल पी का ये टेस्ट है और अगर बैच लेना है तो मैं यहाँ पर सर बैच पे ऐसे टैप करके ले सकता हूँ राइट तो जैसे मैं पे आप नाउ पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे कोड लगाऊंगा वाई सेवन टू थ्री और वाई सेवन टू थ्री लगाने पर आई कैन गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट यानी जो बैच है आपका एट सेवेंटी फोर का हो जाएगा राइट सो ये हो गया सर अब आते हैं आगे अगला प्रश्न है आपके सामने ये ंगस टू डाय दो हजार उन्नीस का, का प्रश्न अभी हमने डिस्कस किया था कार्डियोग्राफ अभी तो ईसी हार्ट से, तो तो से संबंधित हो गया और आपका जो ई जी है हमारा ब्रेन मस्तिष्क से संबंधित हुआ आई गेस इट इज क्लियर सो येस बिल्कुल है राइट right? चलो सर इतना पार्ट डन अगले पे आते हैं अगला सर विच पार्ट बॉडी पार्ट इज टेस्टेड बाईसी तो ये सर आपका जी दो हजार बिल्कुल भी सर दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हमको अच्छे से पता है कार्डियोग्राफ तो सीधे सीधे हमारा हार्ट आंसर है तो अगेन द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए इसमें टाइम नहीं लगाएंगे अब भी जाते हैं इस पे <coughs> क्वेश्चन है मनुष्यों में रक्तचाप लार आना और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं तो सर मेडुला स्पाइनल कॉर्ड पॉन्स या फिर हाइपोथेलमस क्या लगता है आपको आंसर तो शिवानशी जा रही है सी के साथ गजेंद्र इज गोइंग विद ब्रेन जाता इज गोइंग विद ए रोहित इज गोइंग विद बी ओके अदर्स कुल तो यहाँ पे अब देखो इन वॉलेंट अभी अभी हमने डिस्कस किया सर कि जितने भी ऐसी इच्छा है हम ऐसे काम हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलने रहे हैं जैसे हार्ट बीट स्नीजिंग यानी छींक आना सर उल्टी गाना वॉमिटिंग यह सब कौन डील करता है ये सारी डील करते हैं सर मेडोलंगाटा है ना सर जैसे स्पाइनल कॉड वाले पार्ट की बात कर उसे या क्या मेरू वाला पार्ट हो गया राइट right? सो so, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा मेडुला पूरा नाम है मेडुला ऑबलंगाटा ये आ, बद्री देन वी हैव दीपेंद्र दीपी। ये आपका जो सवाल था यह एल पी का दो हजार अठारह का प्रश्न था अगला प्रश्न है सर ये डैश इज फॉर द द ऑफ एंड एंड मेंटेनिंग येनिंग बॉडी आर आरबीपी दो हजार अठारह का प्रश्न है सर डैश स्वैच्छिक कार्यों की सटीकता और शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है मिड ब्रेन सेरिबेलम सैरीब्रम या स्पाइनल कॉर्ड सोच समझ के आंसर देना क्योंकि इसके बारे में अब हमने डिस्कस कर रखा है क्या समझा था सर हमने सिंपल सी बात कि सर अगर मैं प्रॉपर वे में चल फिर पा रहा हूँ कि हाइड्रूड अप अगर प्रॉपर वे में चल पा रहा हूँ दैट मीन्स कि मेरे बॉडी का एक पार्ट है जो अच्छे से काम कर रहा है वो है सेरिबेलम याद करने का तरीका क्या था बेटा सेरिब्रम और गजेंद सेरिबेलम बैलम बेटा डिफरेंस है इस चीज को प्लीज समझना देखो जब मैं आप लोगों से बोलता हूँ ना शरीर की मुद्राएं संतुलन तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात करें बैलेंस की अब दो चीजें क्योंकि बहुत से बच्चों के यहाँ पे गलती होती है सर एक टाइम आता है सैरीब्रम ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का जहां पे सर सोचने की शक्ति की बात करें तर्क शक्ति की बात कर लेते मेमोरी की बात कर सब इसमें हो रहा है।, रहा है। दूसरा होता है बेटू सैरी बैलम और ये जो सैरी बैलम वाला पार्ट है बैल तो बैल वाले पार्ट से क्या बनेगा बैलेंस राइट right? तो बैल से बना बैलेंस अब ये जो बैलेंसिंग है ये कौन देख रहा है सेरी बेलम तो आप लोग अगर सेरी ब्रम कह देंगे तो गलत हो जाएगा तो प्लीज यहां पे गलती मत करना और यहां पे हमने दे रखा है तो साफ साफ मुझे पता लग गया सही आंसर क्या होगा सेरी बेलम यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार मुझे बताओ इज इट ओके सभी लोग इज इट क्लियर चलो सो बिल्कुल दीपी जितने भी लोग बी वाले थे उसके लिए सबके जहां तो ग्रेड हो ये भी हो गया सर पार्ट अब अगले पे आगे बढ़ते और वो है ये

स्थितिक मतलब वहां पे मेंटेन रहना सो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर टेंप, की जो मेंटेनेंस करवाता है बैलेंस करके रखता है वो कौन है टेम्परेचर कंट्रोलर सर वो तो हाइपोथैलेमस तो चाहे थर्मोस्टेट की बात कर लो राइट चाहे मैं सर यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन की बात कर लूँ बात तो एक ही है इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे देखो बद्री होगी जहाँ बना तो सही लो तो बिल्कुल सही तो सही आंसर होगा बेटा यहाँ पे हाइपोथेलेमस तो यहाँ पे गलती नहीं करेंगे क्या होगा आंसर हाइपोथेलेमस आई गेस इट इज क्लियर तो सर अगर ये वाला पार्ट भी है तो आगे बढ़ लेते हैं अब इसके अलावा सर पता है हाइपोथेलेमस के बहुत सारे काम हैं आपने गाना सुना है मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो तो यहां पे सर मेरी नींद मेरा चैन तो मतलब यहां पर ना सर हम लोग जब इमोशंस की बात कर रहे हैं भूख नींद प्यास हंगर तो ये सब चीजों सर हाइपोथैलेमस ही करता है चलो ये भी हो गया डन अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है गुरुदेव ये विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन इज सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस मेमोरी एंड इमोशंस हाइपोथेमसम हाइपोथैलेमस टीपीसी कॉर्पस दो ब्रेन सोलह का 2016 का प्रश्न है तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि समृद्धि और भावनाओं का केंद्र होता है तो इसका आंसर क्या होगा बी बता दें आंख बंद कर गए हैं तो गजेंद्र बाबा दीपी इसका आंसर दो इंटेलिजेंस मेमोरी इमोशंस अब इसका आंसर मैं बता दूं सर ये वो पार्ट है जो सबसे बड़ा पार्ट है अब देखो आप कहेंगे सब पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट के एग्जाम में ऐसे पूछता है जी हाँ ये आपका ए में पूछा हुआ सवाल था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन या फिर बोलूंगा सबसे बड़ा भाग हमारे मस्तिष्क का है तो शिवाशी सबसे पहले गई हाइपोथेलेमस का देखो शिवानशी याद रखना कि आपका हाइपोथेलेमस वो सबसे बड़ा भाग तो नहीं है अब बाकी लोग क्या आंसर लगता है क्या होगा आंसर गानो अच्छा वही गाना बजा बेचारे रोहित कह रहे हैं सर हमारे में जेई का येस yes, सही कह रहे हो हम भी खुद से वेट कर रहे हैं बताए ट्वेंटी नाइन्थ को हम पूरी पूरी टीम वेट करते रहे रात को ग्यारह बजे तक कि अब नोटिफिकेशन आएगा अब नोटिफिकेशन आएगा फिर ग्यारह बजे के बाद लगा कि ठीक है अब आ जाएगा तो फिर घर से वापस आ जाएंगे लेकिन घर भी जाना ज़रूरी है राइट सो so, जितने भी सर यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स हैं तो एस एस सी जे आर आर बी जेई वाले तो एस एस सी जे का नोटिफिकेशन का अभी भी इंतजार है जैसे सर कुछ भी अपडेट मिलता है बताते हैं राइट चलिए तो शिवानशी इज गोइंग विद बी आदि डी के साथ जा रहे हैं गजेंद्र अब देखो सुनो तो बेटा आप लोग अगर हाइपोथेलेमस की बात करेंगे सर इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट पहले चीज बता दूँ ये आपका सबसे बड़ा भाग नहीं तो छोटू सा होता है छोटा है लेकिन छोटा है सर सारी चीज़ों का कंट्रोलिंग इमोशंस एंड ऑल ये कंट्रोल कर रहा था लेकिन सर इंटेलिजेंस मेमोरी इनकी बात करूंगा सर वो है सेरेब्रम याद रखिएगा सर ये आपका सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का राइट सो इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी तर्क शक्ति ये सब यही डील करता है तो इतना इतना हो गया दीपी जा लड़के चलो तो इतना पार्ट डन है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आर आई इज़ टू डैश तो अब देखिए हमारी आंखों में जो लेंस का कार्य वो क्या होगा आंखों को ढकने के लिए साफ साफ पता लग रहा है सर ये तो सरासर सरा आंसर नहीं होगा तो टू सेंड द मैसेज ऑफ तो इफ इमेज टूट दी ब्रेन अब सर आपको क्या लगता है कि सर ये जो लेंस होता है ये मैसेज भेजता होगा अरे सर इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी सर नर्वस सिस्टम की हम बड़ा बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने तंत्रिकाओं का काम रखा हुआ है तंत्रिका देखती हैं ये सब दूसरे पे आ जाओ टू चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ दी आई या फिर टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम इंजरी अब सर कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना जहाँ हमको देखते ही आइडिया लग जाता है सर ये आंसर होगा अब जानबूझ जान मुझे तीसरा ऑप्शन कट नहीं कर रहा नहीं तो आप आंसर दे ही दोगे एक बार आंसर दो सब मुझे साफ साफ पता लग रहा है क्या होने वाला है जल्दी प्लीज तो अभी सर क्लास की जब स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने आपको एक टर्म बताया था रिफ्रैक्शन अपवर्तन याद है क्योंकि सर होता क्या था कि जो लाइट इंटर कर रही है बाहर है बाहर एयर का मीडियम तो रिफ्रेक्शन हो रहा था रिम्बर सो so जब रिफ्रेक्शन हो रहा था तो सर इससे क्या होगा जो आपका लेंस है ये क्या करता होगा सिंपल सी बात है सर ये क्या करेगा फोकल डिस्टेंस को चेंज करेगा अब आंखों को इंजरी से कैसे बचाएगा जो लोग डी के साथ जा रहे हैं खुद सोचो क्या हमारी आंखों को चोट से बचाएगा लेंस नहीं भाई आंख को चोट से बचाने के लिए लेंस थोड़ी है सर उसके लिए और भी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता था तो यहाँ पे सर देखो मैसेज ये नहीं भेजेगा मैसेज कौन भेजता है सर वहाँ ऑलरेडी औल, नर्व्स है राइट तो यहाँ पे हमने सर कई बार नाम भी सुना देखो ऑप्टिक नर्व्स तो ऑप्टिक नर्व्स कौन से हो गई नहीं सर वो तंत्रियाँ होगी जो सिग्नल को लाने ले जाने काम कर रही होंगी आंखों को कवर करना नहीं भाई साहब वो आई लिड्स हैं जो कवर कर रही हैं राइट आई के लिए प्रोडक्शन नहीं सर साफ साफ मुझे पता लग रहा है यहाँ पे क्या होगा आँखों की जो फोकल लेंस है उसको चेंज करने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे तो फोकल तो जितने भी सी के साथ जा रहे हैं क्वेश्चन एंटीम दो हजार सोलह का प्रश्न था अगले पर आते हैं और वो है ये। अब प्रश्न क्या है, so, है आपका द एरिया ऑफ द रेटिना वेयर विजन इज डैश तो रेटिना का वो क्षेत्र जहां पे दृष्टि सबसे अधिक होती है इसका आंसर क्या होगा और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं सब लोग प्लीज़ का कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा मैं इंतज़ार करूंगा कमेंट सेक्शन में जिससे कल जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इसी पार्ट को सर हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे राइट सो so, आज के लिए हम लोग इतने क्वेश्चन रखते हैं तो so, क्वेश्चन ये था कि रेटेना का वो क्षेत्र कौन सा जिसमें दृष्टि सबसे अधिक होती है तो सर क्या वो विटरस बॉडी होगा ब्लाइंड स्पॉट फोविया या फिर क्लोराइड तो आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में और कल मैं इसी चैप्टर को आगे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि आज की क्लास में वो एक्चुअली इंजीनियर्स पे क्लास लगनी नहीं पाई थी सो इंजीनियर्स वाले कैंडिडेट्स अभी इस क्लास को देख नहीं पाएंगे तो कुछ क्वेश्चन और रखने वालों में एन टी पी सी ग्रुप डी ए एल पी जेई और एस एस सी इन सभी क्वेश्चन में कल कुछ क्वेश्चन होंगे ये आ, दस क्वेश्चन के आसपास इस चैप्टर के और एक और चैप्टर राइट सो कल हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के साथ दूसरा जितने लोगों ने अभी तो कोई बैच नहीं है इफ यू वांट टू टेक दी बैच व्हाट यू कैन डू आप जाएंगे सर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट पर जहां पे आप अपना जेई या एएलपी का जो भी बैच लेना आप ले सकते हैं आप जैसे बाय नाउ पे जाएंगे बाय नाउ पे जाने का तो कोड लगाएंगे वाई सेवन टू थ्री और वाई सेवन टू थ्री अप्लाई करते हैं आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि मेंशन भी है राइट right? तो चलिए फिर अच्छे से ख्याल रखिएगा इसी पार्ट को कल मैं डिटेल में बताता हूँ और कल इमेजेस के साथ सो थैंक यू फॉर बिंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस मिलते हैं आप लोगों से कल ओके okay देन फिर बाय बाय एवरीवन टेक केयर जय हिंद एंड लव यू ऑल टेक केयर कल टाइम से जुड़ जाना सब लोग ठीक है बाय